अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीए मैथ्स 212 चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स रेशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है कि इफ वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू बी क्यू प्लस 3x क्यू, हमारे पास दो एक्सप्रेशंस आपस में देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही हैं, देन फाइंड dy डिवाइड बाय dx। इसका मतलब है कि हमने इसका जो है वो डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब स्टेटमेंट लिख लेते हैं डेरिवेटिव के लिए कि डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, और हमारा इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है इसके अंदर वो x है और डिपेंडेबल y है ऑन बोथ साइड। अब हम इसका जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करने जा रहे हैं। सो d डिवाइड बाय dx इज द सिंबल ऑफ डेरिवेटिव जो हमने लेफ्ट साइड पर y के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, और इसी तरह यही डेरिवेटिव हमने राइट साइड पर मल्टीप्लाई कर लिया है। और हमारे पास यहाँ पर दो एक्सप्रेशंस हैं, फर्स्ट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू द सेकंड इज ई क्यूब प्लस 3x का क्यूब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि क्वेश्चन में हमने डेरिवेटिव निकालना है और दोनों एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही है, तो जो रूल लगेगा वो हमारा होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में हम यहाँ पर फर्स्ट में लेफ्ट में तो देख लें आपके डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स हो गया। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट वैल्यू हमने लिखनी है एज इट इज, और डेरिवेटिव हमने यहाँ पर लेना है सेकेंड वैल्यू का जो कि है यहाँ पर ई क्यूब प्लस 3x का क्यूब। ठीक हो गया, ये वाला क्यूब भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, सही है। और उसके बाद दरमियान में आपने प्लस का साइन लगा देना है, और सेकेंड वैल्यू जो है वो आपने एज इट इज रहने देनी है। और अब यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट वैल्यू का जो कि है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आप चाहे तो इनको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अब नेक्स्ट स्टेप में, जैसे मैं अब करने वाला हूँ कि डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपका ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा क्योंकि इसके साथ कोई सिंबल नहीं है। लेकिन जो आपके पास ये दूसरी वैल्यू, इसमें आपने अभी क्या करना है कि अलहदा अलहदा जैसे बी क्यूब पे अलहदा से डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है, और यहाँ पर आपने ई एक्स के क्यूब पर अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। इसके साथ ही आपके पास यहाँ पर बी क्यूब प्लस 3x का क्यूब वैसे ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू का डेरिवेटिव ले रहे हैं इसको भी आप सेपरेटली लिख दें कि डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू ए स्क्वायर, यानी कॉन्स्टेंट वैसे भी जीरो हो जाएगा, और उसके साथ प्लस आपके पास यहाँ पर आ जाएगा डी डिवाइड बाई डी एक्स इंटू एक्स का स्क्वायर। अब हम इनके डेरिवेटिव को सोल्व करने वाले हैं जो आगे नेक्स्ट डेरिवेटिव बन रहे हैं, जो अलहदा अलहदा किए हमने। तो डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू ये हमारे पास यहाँ पर जो है ना अपना अलग अलग करे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर आपने पावर रूल लगा देनी है इस तरह से कि पावर शुरू में, फिर आपने बी को कांस्टेंट को लिख दिया पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के आपने उसी बी का डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। और प्लस में ये भी आपका पावर शुरू में, और लेकिन ये कॉन्स्टेंट पहले शुरू में आएगा और फिर आप डेरीवेटिव यहाँ पर लेंगे एक्स के क्यूब, इसलिए हमें यहाँ पर एक स्टेप मिल गया, कांस्टेंट को हमने डेरिवेटिव के शुरू में लिख लिया है, ठीक है। प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारा बी क्यूब प्लस 3x क्यूब अब एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर जो है इसमें हमने दोनों के ऊपर पावर रूल लगानी, पहले फर्स्ट वाले में देखेंगे पावर शुरू में, पावर में से एक कम, और विदाउट आपने जो है वो पावर के बेस जो ए है उसका डेरिवेटिव लेना, इसी तरह प्लस फिर आपका आ जाएगा पावर शुरू में और एक्स को लिखना आपने पावर एक कम करके, और फिर यहाँ भी आपने बेस का डेरिवेटिव लेना है जो कि एक्स है, हो गया। और यहाँ पर अब आप लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप फिर डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू, और ये जो आपका है ना ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ये फिर से वैसे ही आ गया, ए। और यहाँ पर आप देखेंगे ये हो जाएगा थ्री और बी का स्क्वायर हो गया, लेकिन कॉन्स्टेंट बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस ये भी आपका आ जाएगा थ्री, और इसके साथ अब यहाँ पर आपने पावर रूल लगाना है, ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, तो पावर शुरू में एक्स को लिखना है आपने पावर एक कम करके, और विदाउट पावर के आपने एक्स का ही डेरिवेटिव लेना है। अभी कर्ली ब्रैकेट्स बंद होगी और ये स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगी, आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा वैसे ही। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ ये एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है, फिर प्लस आ जाएगा आपका बी क्यूब प्लस 3x का क्यूब। इस तरह साथ साथ आपने सोल्व करना है, अगर आप इसको मिक्स कर देंगे तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट देखें ये 2 आ गया, इसका भी a हो गया, 2 माइनस 1 हुआ तो 1 हो गया ना a, और x का डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव a कांस्टेंट है 0 हो गया। बस इसी तरह से यहाँ पे 2 आ गया x आ गया, और इस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो 1 हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है देखें, dy डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, एक तो हमारे पास वैसे ही रहना है, इधर हो जाएगा जीरो, और प्लस ये हो जाएगा थ्री, थ्री इधर नाइन, एक्स का हो जाएगा थ्री माइनस वन की तो टू हो गई, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो वन आ गया। प्लस यहाँ पर आ जाएगा बी क्यूब प्लस 3x का क्यूब, ठीक है,
इसके साथ ही आप देखेंगे कि 2, बल्कि ये आपको पता है कि 2 है, ये क्या हो जाएगा सारे का सारा, ये 0 हो जाएगा और प्लस हमारे पास है 2x। अब फाइनल हम इसकी फॉर्म बनाने वाला हूं मैं, ये हमारे पास है क्या वैल्यू, हमारे पास है dy डिवाइड बाय dx इक्वल टू 9x स्क्वायर इनटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है, और साथ ही प्लस हमारे पास 2x इनटू b क्यूब प्लस 3x का क्यूब है। हम एक काम कर लेते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू जो हो जाएगा हमारा 9a स्क्वायर x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 9x की क्या हो जाएगी पावर 4, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 2x और b का क्यूब, या b क्यूब x लिख लें, प्लस 2 आपका x की पावर हो जाएगी 4। तो x की पावर 4, 4 जो है दो सेम वैल्यूज आ रही है ना, तो मैं देख लेता हूँ अरेंज किया हुआ है कि पहले x की पावर 4 लिखी हुई है, तो यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, नहीं पहले उसने 2bx क्यूब लिखा हुआ है, 2b क्यूब सॉरी x है, ये आप देख सकते हैं ये वाला, और साथ ही अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अरेंज कर रहा हूँ बाकी 9a स्क्वायर x स्क्वायर, तो ठीक है प्लस आपके पास आ गया 9a स्क्वायर और x स्क्वायर, देखिए ये वाली भी चली गई, और 9 और 2 कितने हो गए आपके 11 हो गए, तो एक a नहीं है इसमें सॉरी सिर्फ 11 हो जाएगा x की 4। ये भी मैं चेक कर लेता हूँ कि x की 4 ही है 11, तो 9 में बल्कि ये 15 बन रही है, सॉरी मल्टीप्लाई जब हमने किया तो यहाँ पे 2 लिख दिया, तो आप देखें ये 2 नहीं है, आप देखें कि 9 और ये हो जाएगा 2 3 10 6 है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो 9 और 6 यहाँ पे कितने हो गए 15, ठीक है। आप ये देखा हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशन गलत की थी, क्योंकि हमने 2x को 3x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, तो 2 3 10 6 हो गया और x की 4। अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो आंसर बुक के अकॉर्डिंग आ चुका है, और ये हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे थे। आई होप कि स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इसके साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जो वो आप सब्सक्राइब भी कर ले, साथ ही बेल आइकन पर लाजमी तौर पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियोस आसानी से मिलती रहें, और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह हो तो कमेंट कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।